हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और नई जबरदस्त जॉब की अपडेट लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IRB की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि IRB क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि IRB की तरफ से GD कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। IRB मीन्स फ्रेंड्स इंडियन रिजर्व बटालियन होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए वैकेंसी आई है, और इसका मेन वर्क जो होता है IRB का फ्रेंड्स, आपको जो नक्सलाइट एरिया होता है या फिर डिस्टर्ब एरिया होता है, जहाँ पे जैसे दंगा फसाद होता है, वहाँ पे ये लोग अपना वर्क करते हैं, वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, साथ ही साथ सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ एग्जाम पैटर्न, पोस्ट आपका क्या रहेगा, डिपार्टमेंट कौन सी है, सारे कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो ना फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको वैकेंसी आई है IRB GD कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अनाउंस किए गए हैं 17,000 यानी 17,000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आई है। तो अभी मैं आपको स्टेट वाइज पोस्ट डिटेल बता देती हूँ कि किस किस स्टेट में कितना कितना सीट पर वैकेंसी रहने वाला है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5,000 सीट रहेगा, छत्तीसगढ़ के लिए 4,000 सीट रहेगा, झारखंड के लिए 3,000 रहेगा, उड़ीसा में भी 3,000 सीट रहेगा, और आपका महाराष्ट्र में 2,000 सीट के लिए वैकेंसी आई है। चर्चा यहाँ तक भी है फ्रेंड्स कि ये पोस्ट को और भी इंक्रीज करके आपका 20,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हो जाएंगी। मतलब ये जो सीट इंक्रीज होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए, जैसे कि मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट के लिए आपको वैकेंसी और भी निकल के सामने आ सकती है, तब जाके टोटल 20,000 पोस्ट पर आपका ये वैकेंसी आएगी। आपका यहाँ पे एज जो कैलकुलेट किया जाएगा एज ऑन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स देखने को मिलेगा। वही OBC और SC ST को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म के लिए जो फी रखी गई है फ्रेंड्स, जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीज रहेगा, वही SC ST के कैंडिडेट से कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब बारी आती है इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास कर रखा है, जनरली पास कर लिया है, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 4 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल होगा। एट फर्स्ट आपका जो है फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें PET एंड PST टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सेकेंडरी आपका रिटन एग्जाम होता है, देन आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपका DV यानी सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आप अपनी ज्वाइनिंग को अचीव कर पाते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट मेजरमेंट होता है। तो मेल के लिए हाइट जो है ऑल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर है, वही ST कैंडिडेट्स मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट की रिक्वायरमेंट आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होती है, ऑल कैटेगरी मेल के लिए 80-85 सेंटीमीटर चेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा, वहीं ST कैंडिडेट्स के लिए 78-83 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो हाइट है वो आपको ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर रखा गया, वहीं ST वालों के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। देन बारी आती है फ्रेंड्स आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका सिर्फ रनिंग होता है। तो आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग होती है, 24 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है।
देन आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 8 मिनट 30 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आप जान गए। तो आप लोग अभी से इसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि रनिंग अभी से आपकी अच्छी हो जाएगी, तो उस टाइम पे ये नहीं कि अभी 1 month बचा है, 10 days बचा है, तो मैं रनिंग करके कंप्लीट कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अभी से ही फिजिकल के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके बाद से होता है आपका एग्जाम, यानी कि रिटेन एग्जाम। जनरली जो भी डिफेंस सेक्टर में, ऑलमोस्ट सब जगह आपको ऑफलाइन ही एग्जाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी कुछ क्लियरली बताया नहीं गया, पर आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम ही हो सकता है। 100 क्वेश्चन का रहेगा, 100 मार्क्स के लिए 2 hours का आपका एग्जाम रहेगा। यहाँ पे आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, तो ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है आपके लिए। तो मन लगा के तैयारी करो यार अभी से, और एक बार में क्रैक कर दो एग्जाम को। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रिटेन एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जीके का 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश, मतलब दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे तो उसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 hours का पेपर, और पर क्वेश्चन 1 mark आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है कि मैम आपने तो मुझे नोटिफिकेशन बता दिया, सारी डिटेल्स भी बता दी, पर मैं अप्लाई कब कर पाऊंगा फॉर्म को। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो जल्द ही आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपका अगस्त 2023 में ये फॉर्म निकल के आ जाएगा। और कितना टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, तो फ्रेंड्स जनरली हर फॉर्म के लिए आपको मिनिमम 1 month का टाइम दिया जाता है। मान लो कि अगर 1 August को फॉर्म आता है, तो आपको 1 September तक इसको भरने का टाइम दिया जाएगा। तो आप ये मत देखो कि फॉर्म आए नहीं आए, मेरा मेन मोटिव ये है आपको बताने का कि आप अभी से तैयारी में जुट जाओ, ताकि मेन टाइम पे आपको किसी भी वजह से आप इस जॉब को आप लूज ना कर पाओ, आप एक बार में क्रैक कर लो। इसलिए मैं पहले से ही नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वीडियो बना के आप सभी को अपडेट देते रहती हूँ। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो अब आप लोग जान लो कि इसमें ज्वाइनिंग के बाद आपका इनहैंड सैलरी क्या रहेगा। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। फ्रेंड्स, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका फर्स्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी 30,000 प्लस देखने को मिलेगा। अच्छी खासी आपको इंक्रीमेंट होती है इसमें, बहुत तरह से अलाउंसेस वगैरह दी जाती है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी अच्छी करो, अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी। और रही बात जॉब लोकेशन की फ्रेंड्स, तो जिन भी स्टेट के लिए वैकेंसी आउट हुई है, उसमें आपको IRB की तरफ से जो भी स्टेट लोकेट किया जाएगा, आपको वहां पे जाके सर्व करना पड़ सकता है। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताया है IRB GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और समझने में कोई सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर आप चाहो तो मुझे आप फेसबुक पे, जो मेरा पेज है, उस पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आके भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम है मनीषा सिंह जॉब अपडेट के नाम से, आप वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट होके ये अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो, अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सारी जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो को टाइम टाइम पे शेयर करते रहो। सो मिलती हूँ आपसे फिर से एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।